मैंने ये ड्रामा नहीं देखा था. मेरी मतलब रिलेटिव्स में मेरी कजन्स हैं और भी मतलब रिश्तेदार हैं, तो वो लोग मुझे कहते थे कि आप मतलब परीजात जैसे दिखते हो. तो मैंने उसको थोड़ा सा, मैं अग्रेसिव हुआ, मैंने कहा तुम मुझे एक फीमेल कैरेक्टर के साथ मिला रही हो. देखो कमाली, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स है. इसे खोकर तुम्हें कारूद का खजाना भी मिल रहा हो तो ये घाटे का सौदा है. शेख रहमान जैसे सौदागरों की दलाली करना छोड़ दो. इस ड्रामे के बाद और मेरी ये जो एक्टिंग है इसके बाद मुझे एक कमेंट कुछ ऐसा सुनने को मिला था एक लड़की के, यार तुम्हारी इस एक्टिंग के बाद अब काले रंग वाले लड़के भी चौड़े होके चल रहे हैं. अस्सलामुअलैकुम नासरीन, आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल और मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद इशफाक. नासरीन, परीजात ड्रामा तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, उसके मशहूर करेक्टर परीजात यानी पीजेड वीर मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा अली, मुझे बताइएगा कि अली से पीजेड मीर कब और कैसे? देखें, मैंने आपको बताया कि मैंने ये ड्रामा नहीं देखा था. मेरी मतलब रिलेटिव्स में मेरी कजन्स हैं और भी मतलब रिश्तेदार हैं, तो मैं जब वहाँ पे जाता था तो वो लोग मुझे कहते थे कि आप मतलब परीजात जैसे दिखते हो, उसके जैसी हरकतें करते हो और ये वो मामला जैसे भी होते हैं. तो मैंने उसको थोड़ा सा, मैं अग्रेसिव हुआ, मैंने कहा तुम मुझे एक फीमेल कैरेक्टर के साथ मिला रही हो. तो उसने बोला ये फीमेल कैरेक्टर नहीं है, ये एक मेल कैरेक्टर है. और फिर उसने मुझे उसकी लॉयलिटी और मतलब उसकी ऑनेस्टी के बारे में गाइड किया और मुझे बताया, और फिर मुझे लगा कि मुझे ये ड्रामा देख लेना चाहिए. और जब मैंने फिर ये ड्रामा देखा और वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही था, फिर मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और फिर मैंने वीडियो अपलोड की. अच्छा, आपकी वीडियो जैसे ही अपलोड होती है पब्लिक का क्या रिस्पांस था? पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा था, अलबत्त कमेंट्स में कुछ अच्छे बुरे मामला साथ साथ थे, वो आपको पता है कि हर जगह ही होते हैं. तो लेकिन पहली वीडियो में मुझे बुरे कमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, मतलब अच्छे भी थे लेकिन बुरे भी थे. लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की उसमें मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा लाइक किया, फॉलोअर्स बहुत जल्दी से मेरे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, तो अच्छा लगा मुझे ये सब. अच्छा परीजात, मुझे ये बताइएगा कि सोसाइटी के अंदर क्या हकीकी ज़िंदगी के अंदर भी परीजात मौजूद हैं? अब बिल्कुल ऐसे ही है. मैंने आगे भी बताया कि हर इंसान के 100 मामलात होते हैं, 100 बारीकियाँ होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट लाइफ चल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, स्ट्रगल लगे हुए हैं, इंशाल्लाह अपना भी टाइम आ जाएगा. टाइम आएगा अपना भी. अच्छा ये बताइएगा अली, के हमारे मुआशरे के अंदर जो कलर कम्प्लेक्शन है उसको लेकर कहीं पर लड़कों को बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं, स्पेशली बॉयज़ को. आप क्या समझते हैं कि कलर कम्प्लेक्शन जो है वो रिश्तों में आड़ कैसे बनता है? मेरा नहीं ख्याल कि ये रिश्तों में आड़ बनता है, क्योंकि इंसान की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसकी अपनी प्रेजेंटेशन होती है, उसकी लॉयलिटी, उसकी ऑनेस्टी ही ऐसी चीज़ है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं. मेरा नहीं ख्याल कि कलर कम्प्लेक्शन कोई बड़ी चीज़ है. कहने सुनने वाले बहुत कुछ कहते हैं सुनते हैं, लेकिन ये इंसान के अपने ऊपर होता है. और रही बात इस ड्रामे के बाद और मेरी ये जो एक्टिंग है इसके बाद मुझे एक कमेंट कुछ ऐसा सुनने को मिला था जिसमें मुझे बोला गया था एक लड़की कि यार तुम्हारी इस एक्टिंग के बाद अब काले रंग वाले लड़के भी चौड़े होके चल रहे हैं. बिल्कुल जी. अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि परीजात ने जिस पर भी ट्राई मारी ड्रामे के अंदर, बेचारे की शादी नहीं हो पाई, उसका रिश्ता कायम ना हो पाया, आप क्या समझते हैं आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपने पेरेंट्स पे छोड़ा है. और वैसे मुझे टिकटॉक पे और इंस्टा पे फॉलोअर्स मिल रहे हैं और मतलब लड़के लड़कियां मिक्स मतलब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने किसी को फॉलो बैक नहीं दिया, क्योंकि अगर एक को दे दिया तो बाकियों के साथ ज्यादती है, तो इसलिए अभी लेवल लेके चल. अभी टिकटॉक पर किस नाम से आईडी आपकी, क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे? मेरी टिकटॉक पे जो आईडी है वो है Ali4G222 के नाम से, Ali FAUJ222, तो इस नाम से मेरी आईडी, और मेरी सेम इंस्टा आईडी भी इसी नाम से है. अच्छा, आपकी पहली वीडियो हम लोगों ने देखी, वहाँ से टीम ने आपके साथ कांटेक्ट किया 1.1 मिलियन, और फिर दूसरी वीडियो आपने अपलोड की वो 2 मिलियन से भी ऊपर. लोगों की प्यार मोहब्बत के बाद आपको लगता है कि अगर आपको ऑफर की जाए ड्रामास के अंदर के आप आएँ, आप काम करेंगे? बिल्कुल करूँगा, क्योंकि ये लोग, अगर आपको लोग प्यार दे रहे हैं इट मीन्स वो आपको ऑन स्क्रीन फर्दर देखना चाह रहे हैं, तो अगर लोग इतना इंस्पायर, इतनी मोहब्बत करते हैं तो उनकी मोहब्बत के लिए ज़रूर मैं. अच्छा, ड्रामे के अंदर बेस्ट सीन आपका क्या था? आपको कौन सा सीन जो है बड़ा हार्ट टचिंग लगा? हर टचिंग सीन ये था कि जब वो अपनी पोइट्री अपनी सिस्टर के उसके घर सिस्टर के घर में जब क्राइसिस चल रहे होते हैं और वो अपनी सिस्टर के क्राइसिस को दूर करने के लिए अपनी जब पोइट्री सेल करने जाता है, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वो लम्हा जो थे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर गए थे. बिल्कुल जी, ये ड्रामा है ही ऐसा था कि हर बदलते लम्हे के साथ आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे. तो फर्दर इन्हीं से जानते हैं कोई ऐसा डायलॉग, कोई ऐसी पोइट्री जो इनको याद हो और वो अपने व्यूवर्स को सुना दे, कोई पोइट्री, कोई डायलॉग.
डायलॉग मैं एक सुनाना चाहूँगा, उसमें वो अपने मतलब सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि देखो कमाली, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स है, इसे खोकर तुम्हें कारूद का खजाना भी मिल रहा हो तो ये घाटे का सौदा है। शेख रहमान जैसे सौदागरों की दलाली करना छोड़ दो। वाह जी वाह। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, ये एक्टिंग के से हट के हकीकत की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है? हाँ, हकीकत की ज़िंदगी में कुछ ऐसा है कि मेरे जो वाली साहब हैं उनका गाड़ियों का काम है, वर्कशॉप है गाड़ियों की, तो बस वहीं पर जाके टाइम स्पेंड करते हैं और देखते हैं क्या मामलाते हैं, कैसे चल रहे हैं। बीच में आपकी वीडियो हमने देखी बड़े प्रोटोकॉल के साथ, परिजाद अमीर हो चुका है और जनाब पीछे शशका और गाड़ियां आपके चल रही हैं, वो क्या था? मेरे हिसाब में वो प्रोटोकॉल तो नहीं था, वो बस हमने 5-7 दोस्तों ने मतलब ग्रुप डिस्कस किया और मतलब दो गाड़ियां थी, एक मेरी थी एक मेरे दोस्त की थी, तो वो तो हम एक मतलब क्योंकि मुझे कमेंट्स में बोला जा रहा था कि आप अमीर परिजाद की भी वीडियो बनाओ, लेकिन खैर वो अभी इंडस्ट्री है और मैं तो अभी बिल्कुल लोकल सा बंदा हूँ, तो मेरे पास उतनी गाड़ियाँ तो नहीं थी, लेकिन उनकी फरमाइश के मुताबिक जितना कर सका था मैंने किया। अच्छा, लोगों की मोहब्बत प्यार समेट रहे हैं आप, उनकी फरमाइशें भी पूरी कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। अच्छा, कई लोग मुझे कहते हैं वन वीडियो फॉर मी, बिग फैन सर, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि जितनी वीडियोस अपलोड करता हूँ ये आप सब लोगों के लिए करता हूँ, स्पेशली कमेंट्स में से जाके वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं, तो ये सब वीडियोस उनके लिए, किसी के लिए अलग तो ये नहीं बना सकते, तो इस तमाम लोगों की मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत में ये वीडियो बनाते हैं, तो बहुत शुक्रिया। एक तो आपने टाइम दिया और बड़े जो है ना आपने हमसे धोखे भी किए आजकल आप वाकई अमीर परिजात बन गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ज़रूरियाती ज़िंदगी और ये ज़िंदगी की जो मसरूफियात हैं ये आपको कभी कहीं तो आपको मैनेज करने के लिए टाइम तो लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस दफ़ा आपकी बात अमीर हो गया परिजात बन गया। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। वैसे ही अली हमारे साथ मौजूद थे, जिनको सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड होती है परिजात ड्रामा की, जिसका कैरेक्टर निभा रहे थे परिजात पीजेड वीर, उनकी वीडियो पर इन्होंने कॉपी की, इन्होंने अपनी एक्टिंग की और लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बतें समेटी, और हमारा मकसद ये था कि ऐसे लोगों को आपके सामने रखा जाए कि पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव फेस है, कि उस लोगों की खुशी के लिए इन्होंने एक वीडियो बनाई, इवन के ये खुद बड़े गोरे चिट्टे हैं और यहाँ पर मेकअप इन्होंने किया और अपने आप को उस डार्क कम्प्लेक्शन के अंदर वो एक्टिंग करके दिखाई और आप लोगों के सामने अपना टैलेंट लगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिएगा आज़ाद डिजिटल।